नमस्कार सभी को एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइस। आज 3 तारीख है, 3 जनवरी। आज मैं 2 दिन तक तो आपने शायद इंस्टाग्राम की स्टोरी पर देख ही लिया होगा कि मैंने क्या क्या किया। और न्यू ईयर पार्टी तो कुछ हुई नहीं, अगले दिन न्यू ईयर के दिन जरूर हुई थी गोविंद देव जी के बाहर। और आज मैं जयपुर से दिल्ली की तरफ निकल रहा हूँ दिल्ली घूमने के लिए। और अभी मैं बस में हूँ, वॉल्वो है गवर्नमेंट बस, काफ़ी अच्छी सी बस है। और अभी बस यहाँ से निकल चुकी है, तो मिलते हैं दिल्ली में। मैं पहुँच चुका हूँ दिल्ली और ये इंडिया गेट के पास ही में धोला कुआ नाम से एक बस स्टॉप है जहाँ पर मैं उतरा हूँ। और अभी मैं यहाँ से ये रोड क्रॉस कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मैं फ्लैट पर हूँ। और आपको जो यहाँ की सबसे बेस्ट चीज़ दिखानी थी दिल्ली की, वो थी यहाँ की सर्दी। सो गाइस, अभी 8 बजने वाले हैं सुबह के और अभी तक फोन में क्लियर नहीं दिख रहा, बट यहाँ पर अभी धुंध हो रही है काफ़ी। और दिल्ली की सर्दी भाई बहुत कड़क सर्दी है। 9 बजे का टाइम हो रहा है और आप देख सकते हैं ज़्यादातर दुकानें अभी भी बंद हैं यहाँ पर सब कुछ। और अभी भी गाइस काफ़ी सर्दी पड़ रही है, तो देखो लगभग लगभग पूरा मार्केट बंद है, बस बीच बीच में 1-2 दुकानें डेयरी वगैरह ऐसी कुछ दुकानें खुली हुई है। दिल्ली मेट्रो का ये G20 का एक कार्ड है, ये कार्ड लिया है 150 रुपये में और इस पर 100 रुपये के अंदर मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। गाइस अभी दिल्ली मेट्रो में हूँ, मेट्रो दिखाते हैं। तो अभी मेट्रो से बाहर निकलते ही मैं कनॉट प्लेस की सबसे जो फेमस जगह है, जो को बहुत पसंद है और बहुत से प्रैंक वीडियोस मैंने अब तक देखे जहाँ पे बहुत सारे प्रैंक्स होते हैं, तो कनॉट प्लेस की ये जगह। गाइस ये जगह आप कहीं पर भी कहीं कोई मतलब काफ़ी सारे दिल्ली के बहुत से प्रैंक वीडियोस में आपको ये जगह मिल जाएगी देखने को। यहाँ पर लगभग सारी बिल्डिंग्स व्हाइट कलर में है और बहुत बड़ी बड़ी है। इतने भी जो सभी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो इसके अंदर मेरे को घूमने के बाद में लगभग सभी ब्रांड्स यहाँ पर मिल चुके हैं। कनॉट प्लेस घूमने के बाद, कनॉट प्लेस जस्ट पीछे है और इस साइड है सेंट्रल पार्क ऑफ दिल्ली और ये सिर्फ सोमवार को बंद रहता है। और आज थर्सडे है तो मैं जा रहा हूँ अंदर सेंट्रल पार्क घूमने। सेंट्रल पार्क की सबसे खास जगह, यहीं पर बहुत सारे प्रैंक हो चुके हैं और होते भी हैं यार। और मैं आपको बता ही रहा था दिल्ली में काफ़ी सर्दी है अभी, और अभी 10:30 बजे का टाइम हो गया फिर भी यहाँ पर कोई नहीं है। और अभी ये देखो पेड़ लगाने की काफ़ी एक अच्छी ये डिज़ाइंस है यहाँ पर। और ये कनॉट प्लेस के बिल्कुल सेंटर के अंदर है इंडिया का फ्लैग ये। और आगे दिखाते हैं आपको सेंट्रल पार्क, यही था दिल्ली का सेंट्रल पार्क। यहाँ से पूरा घूमने के बाद में ये इसका बैक साइड है और जहाँ से मैं भी आया था वहाँ से वो फ्रंट था। और ये पूरी डिज़ाइंस के साथ ये पूरा पार्क एक सेंटर के रूप में, एक वर्ल्ड के रूप में ख़त्म हो रहा है। अब धीरे धीरे यहाँ पे पब्लिक आ रही है काफ़ी, थोड़ी बहुत देर में शायद आ जाएगी। सो गाइस अब मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ इंडिया गेट। इंडिया गेट दिखाते हैं, इंडिया गेट भी ये पीछे इंडिया गेट। और मैंने यहाँ से एंट्री किया और सुबह पहले यहाँ पे काफ़ी सारी पब्लिक है इंडिया गेट के पास, तो अब देखते हैं जाकर कैसा इंडिया गेट। सो गाइस इंडिया गेट के जाने के लिए मेरे को अंडरपास
अंडरपास से जा रहा हूँ। जस्ट बैक में है इंडिया गेट, तो मैं इंडिया गेट पहुँच चुका हूँ। सारी डेकोरेशन हो रखी है, बहुत से लोग आ रखे हैं यहाँ पर, बहुत पीछे से पक्षी उड़ते हुए। यार सभी दिल्ली में घूमने आते हैं और दिल्ली के जो मेन मेन पॉइंट्स है घूमने के वो घूम के चल जाते हैं, बट मेरी सोच ये है कि दिल्ली का जो अंदर से जो चीज़, जो रियल चीज़ है वो मुझे इन गलियों में मिल सकती है। वैसे हाई कोर्ट की गली है ये, पूरे मतलब सुप्रीम कोर्ट की गली है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बड़े बड़े जो सबसे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं पूरे देश की वो यहीं पर मौजूद है। और मैं उनके सामने से ही इस बहुत ही सुनसान रास्ते से गुजर रहा हूँ और सभी लोग ये पुराने किले की तरफ, पुराने किले की तरफ जा रहा है रास्ता, यहाँ सिर्फ मैं अकेला ही पैदल जा रहा हूँ। दूर दूर तक कोई भी पैदल नहीं है और अंदर ये अलग अलग कोई सचिवालय है, कोई बड़ी बड़ी चीज़ें ऐसी राष्ट्रीय लेवल पर बड़े बड़े यहाँ पर जो निगम वगैरह है सभी मौजूद है। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी यहाँ पर, ये जो आपको ये बहुत ही डिजाइनेबल चीज़ दिख रही है, अंदर नहीं दिखा सकता मैं, यहाँ पर एयरफोर्स का ही ऑफिस है, बहुत अभी बहुत बड़ा एरो, मतलब एक जो जैसे MiG-21 वगैरह ऐसे कुछ जो एयरक्राफ्ट रहते हैं वैसे अंदर अभी बने हुए थे, काफ़ी शायद आर्टिफिशियल थे वो। तो जैसे ये आपको पीछे दिख रहा है ये एयरक्राफ्ट वगैरह ये सब कुछ बने हुए हैं यहाँ पर। लगभग 30 मिनट चलने के बाद में मैं पहुँचा हूँ नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली, और मेरे को जानवरों को देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो मैं पुराने किले की तरफ निकल रहा हूँ सीधा। किला पहुँच चुका हूँ, पहले बड़ा गेट आएगा फिर पुराना किला आएगा। तो हम, मेरे को टिकट पड़ा है पे इंडियन पर इंडियन पर्सन है 45 रुपये और फॉरनर्स के लिए है 300 रुपये। वैसे टोकन मिलेगा, टोकन से अंदर जाते हैं, देखते क्या होगा। ये है द बड़ा गेट और सही वास्तव में बहुत बड़ा है, वो लोग कितने छोटे हो, बहुत काफ़ी बड़ा गेट है। और ये थी जो एंट्रेंस जिससे मैं आया था, इसके जस्ट बाहर निकलते नेशनल जू है। और ये पुराने किले के अंदर का कुछ सीन है, यहाँ बहुत बड़ा पार्क था और वो था बड़ा गेट, और इसके बाद में काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हैं, ये यहाँ पे बैठने की सिटिंग के प्लेसेस है। और अब मैं जा रहा हूँ पुराने किले के महल की। ख़ास बात यह है कि इसकी जो नींव है, मतलब बीच के अंदर मतलब थोड़ा बहुत है, मान सकते हैं थोड़ा बहुत कुछ लगा है, बाकी पूरा टोटली पत्थर पे ऊपर, पत्थर के ऊपर पत्थर रख के पूरे इसको सेट किया गया है एक तरीके से इस महल को। यहाँ पे वो लोकेशन, यार यहाँ की लोकेशन बहुत बहुत गजब है। ये देखो पेड़ के नीचे, ये उधर अलग सा कुछ मटके जैसा कुछ बना हुआ है, और अब ये फ्रंट साइड आ गया पुराना किला। ये है फ्रंट से पुराना किला, ये पूरा है जो ये पुराना किला है। और इसके बाहर ये कुछ बना हुआ है यार, ये डिज़ाइंस काफ़ी गजब है यहाँ की भी। और सबसे अच्छी बात यहाँ की जो यहाँ का, यहाँ से जो व्यू आ रहा है पूरे दिल्ली का। हाँ मानते हैं दिल्ली में पॉल्यूशन है और अभी ओस भी काफ़ी पड़ रही है, बहुत सर्दी है दिल्ली में, बहुत बहुत भयंकर, 2 कोट बिना सर्दी नहीं रुक सकती, पॉसिबल नहीं है। और ये है पुराना किला। ये जो गेट आपने ये बाहर से देखा था, ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, और ये ऊपर से गजब ये अंदर का पूरा सीन है। ये यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह काफ़ी गजब आ सकती है। और ये टॉम्ब के अंदर के, ये महल के अंदर पता नहीं गेट किस हिसाब से है, बट जो भी है बहुत अच्छा है, मार्बल से बना हुआ है। ये हर जगह पे हर अलग अलग डिज़ाइंस में गेट्स बने हुए हैं,
का सिस्टम बहुत ही गजब लग रहा है। ये था दिल्ली का पुराना किला। चलते हैं बाहर। सो गाइस, मैं ऊपर से यहाँ नीचे आ चुका हूँ इस साइड से। यहाँ पे काफ़ी सारे सुरंग टाइप के, मतलब काफ़ी सारे नीचे कमरे वगैरह रास्ते बने हुए हैं। ये कुछ ऐसे रास्ते भी यहाँ पे, रास्ता नहीं जाने का पर अंदर कमरे वगैरह ये सब कुछ। मैं भी अकेला हूँ इसलिए अंदर कहीं नहीं जाऊँगा। इस बिल्डिंग को जस्ट पार करते ही पुराना किला वहाँ है। मैं ये बिल्डिंग पता नहीं क्या है, इसके जस्ट बाद में यहाँ पर है हमाम। ये रहा हमाम, जो कि नहाने वगैरह के लिए हमें हर महल में होता है। इसकी डिज़ाइन काफ़ी पुरानी तो यही है, पुराने किला है तो समय के राजा महाराजा और वगैरह सब इसको नहाने के लिए काम लेते थे। और इसमें गर्म और ठंडा हर प्रकार का पानी रखा जा सकता था, और भाप वाला पानी भाप भी ली जाती थी इसी के अंदर। आगे देखते हैं क्या है। इस बड़ा गेट जो है उस साइड से स्टार्ट होता हुआ, ये पीछे जो पुराना किला था वो देखा, और ये बड़ा किला पूरा वहाँ से घूमता हुआ, ये इसकी दीवार है जो यहाँ तक पीछे तक आ रही है। और ये काफ़ी, ये भी काफ़ी बड़ा गेट है, मतलब सबसे बड़ा गेट वो था, और उसके बाद में काफ़ी सारे अलग अलग गेट बने हुए हैं पुराने किले के। और यहाँ पे कई गुप्त रास्ते भी हैं, मतलब अंदर में नहीं, अगर काफ़ी जगह बंद भी कर रखे हैं यहाँ पे, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, और सब लगभग काफ़ी जगह बंद है। और बस यही था पुराना किला। तो पुराने किले के बाद में मैंने काफ़ी देर रनिंग से मैं सीधा पहुँचा हूँ हुमायूं के मकबरे पर। और यहाँ पीछे वहाँ से एंट्री गेट था, और एंट्री गेट से मैं काफ़ी अंदर आ चुका हूँ, और दिखाते हैं आपको हुमायूं का मकबरा। गाइस, ये है ईशा खान टॉम्ब, मतलब ईशा खान की जो टॉम्ब, ईशा खान जो है पुराने समय पर उनकी ये टॉम्ब है। यहीं पर कुछ घूमने के प्लेसेस। हेलो 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 भी है तो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ अंदर। सो आपको थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी अब हम हुमायूं टॉम्ब पर जा रहे हैं, मिलते हैं। तो हुमायूं का मकबरा यानी हुमायूं टॉम्ब अभी जस्ट पास में ही है। ये जो गेट है इसको, गेट को क्रॉस करते ही अब पीछे गार्डन आएगा, और हुमायूं के मकबरे के तक पहुंचने के लिए ये जस्ट पार करते ही हुमायूं का मकबरा स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी सुंदर जगह यहाँ बना रखी है। अगर आपको यहाँ के बारे में डिस्क्रिप्शन चाहिए तो ये आप स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ के बारे में ये डिस्क्रिप्शन है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बाकी जाते हैं और देखते हैं हुमायूं का मकबरा। गेट के बाद यह आ चुकी है हुमायूं टॉम्ब, जिसके लिए से ट्रैवल कर रहा था। सो हुमायूं टॉम्ब भी काफ़ी बड़ी है, अब टॉम्ब को घूमने में टाइम लगेगा। और ये काफ़ी अच्छे गार्डन्स हैं यहाँ पर, गार्डन्स में जो पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ लगाने के जो तरीके हैं वो काफ़ी अच्छा है सब कुछ। अभी आपको दिखाते हैं टॉम्ब के अंदर से।
टू बी सोशल। तो अब जामा ओ सॉरी ये हुमायूं टॉम्ब के अंदर मैं हूँ अभी, और हुमायूं का जो मकबरा है अंदर से कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये है हुमायूं का मकबरा, और यही था जिसके अंदर कुछ ये जो आर्किटेक्चर है बिल्कुल ताजमहल को टक्कर देने वाला है। और यहाँ पर भी ये देखो रूम्स वगैरह बने हुए हैं। बहुत आज काफ़ी पब्लिक भी यहाँ पर आ रखी है, और ये अलग अलग मकबरे बने हुए हैं उनके बच्चों के हो सकते हैं। और यहाँ पर और ये पूरा मकबरों से भरा हुआ है, और मैं वापस जा रहा हूँ उसी रास्ते जिस पर से मैं आया था। प्रोबेबली आज यहाँ पर ज़्यादा पब्लिक नहीं है फिर भी अदर डेज के हिसाब से, पर एक मेरी फ्रेंड है ये हमें ट्रांसलेट करेगी कि इसके ऊपर इस टॉम्ब के ऊपर लिखा हुआ क्या है। सो दिस इज रिटन हियर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एंड दैट्स द ट्रांसलेशन इज देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट मुहम्मद। तो ये चीज़ इसके ऊपर लिखी हुई है, और ये सभी पे सेम है। ये यहाँ पर अदर टॉम्ब्स थी, अभी दूसरी साइड वहाँ पर उस साइड भी टॉम्ब्स थी, और बीच के अंदर जो है हुमायूं टॉम्ब है। तो ये थी गाइस कुछ हुमायूं टॉम्ब, और काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत बड़ी जगह है दिल्ली के अंदर। तो आप भी आइए यहाँ विज़िट करिए, लीजिए दिल्ली का दिल्ली की सर्दियों का मज़ा, क्योंकि आज सुबह से सर्दी उतर ही नहीं रही है, बहुत तगड़ी है भाई। तो गाइस अब मकबरे के बाद में अब हम आ चुके हैं यहाँ पर इंडिया गेट इन द नाइट। तो किसी ने बताया हमें दिल्ली के दिल वालों ने कि रात को आपको इंडिया गेट देखना चाहिए, तो हम वापस आ चुके हैं इंडिया गेट। हम क्या, मैं अकेला सो अब निकल रहा हूँ मैं इंडिया गेट के लिए। इस यहाँ से नीचे उतरना है, फिर यहाँ से जाना है। ओके फिर मिलते हैं आपको इंडियन फ्लैग के साथ। ये कुछ ऐसा दिख रहा है इंडिया गेट। सो यार बहुत ही गजब, आप शायद वो वाइब फील नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ थोड़ी सी धुंध है, और साइड से आपको पता चल गया होगा। और अभी तक सिर्फ शायद यार अभी तक सिर्फ 5:30 बजे हैं, और यहाँ पर ये हालत है लगभग 6 बजने वाला है अब। और काफ़ी गजब दिख रहा है यार इंडिया गेट, बहुत पब्लिक है यहाँ पर। ये रोड पार करते भी काफ़ी दूर तक पब्लिक है, जहाँ तक ये लाइट जा रही है इसके बिल्कुल जस्ट सामने है राष्ट्रपति भवन, और राष्ट्रपति भवन शायद कल जाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। सो शीघ्र ही मुलाकात होगी।